अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। गाइस फाइनली आज की हमारी वीडियो आ चुकी है। आज की वीडियो हमारी अलाइड मोशन के शेक्स पर होने लगी है, तो वीडियो काफ़ी सिंपल सी है, इसको लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले गाइस आप शेक्स का प्रीव्यू देख लें, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने प्रीव्यू देख लिया होगा, तो सबसे पहले गाइस आपने अलाइड मोशन ऐप ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने जो वीडियो का फॉर्मेट रखना है वो आप रख लें। उसके बाद आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस होगा, नीचे आपको प्लस का आइकन देख रहा होगा, वहाँ से आपने अपनी फाइल से जो सी वीडियो इम्पोर्ट करनी है वो आप इम्पोर्ट कर लें। मैंने यहाँ पर एक एनिमी पिक्चर ऐड कर ली है। उसके बाद गाइस आपने अपनी वीडियो पर जो सा साउंड या म्यूजिक ऐड करना है वो आप ऐड कर लें। मैंने अपनी फाइल से म्यूजिक को ऐड कर लिया। ऐड करने के लिए सबसे पहले गाइस आपने एक काम करना है, आपके साउंड पर जहाँ पर बीट्स होंगी आपने वहाँ पर अपने साउंड पर मार्क्स ऐड कर लेनी है। जहाँ पर आप अपनी बीट पर शेक्स ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर आपने सबसे पहले मार्क्स ऐड कर लेने हैं। मार्क्स ऐड करने से आपके लिए ईजी होगा कि आपने जहाँ पर शेक्स ऐड करने हैं वहाँ पर आप इजिली ऐड कर सकते हैं। जिस स्क्रीन के मिड में आपको वाइल्ड लाइन दिख रही होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो में मार्क्स ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद गाइस अब मैं अपनी वीडियो में मास्क ऐड करने लगा हूं। सो गाइस अब हमने अपनी साउंड की बीट्स पर मार्क्स ऐड कर लिए हैं। इसके बाद गाइस आपने अपनी वीडियो की फर्स्ट बीट पर आ जाना है, वहाँ पर आपने अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है, नीचे आपको मिड में स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो स्प्लिट हो जाएगी। जो हमारी फर्स्ट बीट थी वो थोड़ी बड़ी थी, इसलिए हमने इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा स्प्लिट किया है। तो स्प्लिट करने के बाद गाइस अब हम सेकंड बीट पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपने इसको इसी तरह स्प्लिट करना है, बट आपके साउंड पर जहाँ पर छोटी बीट होगी वहाँ पर आपने वीडियो को थोड़ा कम स्प्लिट करना है, और जहाँ पर आपकी वीडियो की बीट थोड़ी बड़ी होगी वहाँ पर आपने वीडियो को थोड़ा ज़्यादा स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट बीट जैसे कि हमारी बड़ी थी तो उसको ज़्यादा स्प्लिट किया, आगे जितनी भी बीट छोटी होंगी वहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा कम स्प्लिट करना है। आगे दो तीन बीट्स हमारी बड़ी आएंगी वहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा ज़्यादा स्प्लिट करना है। तो जहाँ पर हमने अपने साउंड या म्यूजिक में बीट्स ऐड की थी तो वहाँ पर हम अभी वीडियो को स्प्लिट करेंगे। तो जहाँ जब मैंने बीट्स ऐड की थी वहाँ से अब मैं वीडियो को स्प्लिट करने लगा हूँ। सो गाइस जैसा कि हमने पूरी वीडियो में जहाँ पर बीट्स ऐड की थी वहाँ पर हमने वीडियो को स्प्लिट कर लिया है। तो इसके बाद हम वीडियो के उस स्प्लिट पार्ट पर आएंगे जहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा कम स्प्लिट किया था। उसके बाद गाइस हमने उस पर कुछ इफेक्ट्स ऐड करने हैं। जो सबसे फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है उसका नाम है टाइल्स, ये आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने जस्ट इसका मिरर ऑन कर लेना है। इसके बाद जो हम सेकेंड इफेक्ट ऐड करेंगे उसका नाम है पिंच बल्ज, ये आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसकी शतरंज में 2 मार्क्स ऐड कर लेने हैं, एक मार्क स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, एक मार्क लास्ट से थोड़ा सा पीछे ऐड करेंगे। जो मार्क हम स्टार्टिंग में ऐड करेंगे उसकी हमने सेटिंग रखनी है 1.0, और जो मार्क लास्ट से थोड़ा सा पीछे ऐड किया होगा उसको हम कर लेंगे 0.0। ये करने के बाद गाइज अब हम इन 2 मार्क्स के मिड में ग्राफ एडजस्ट करेंगे। लेफ्ट साइड पर आपको ग्राफ का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से ग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्राफ को एडजस्ट किया आपने भी सेम उस तरह ग्राफ को एडजस्ट कर लेना है। तो इसके बाद गाइस आपने रेडियस को फुल 2.500 कर लेना है। तो ये करने के बाद अब हम थर्ड इफेक्ट ऐड करेंगे ओसिलेट, इसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसके एंगल में भी उसी तरह 2 मार्क्स ऐड कर लेने हैं, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट से थोड़ा सा पीछे। तो जो मार्क स्टार्टिंग में होगा उसको हम कर लेंगे 0.0 डिग्री। इसके बाद जो हमने सेकेंड मार्क ऐड किया होगा उसको हम कर लेंगे 180 डिग्री। तो ये करने के बाद गाइज अब हम इन 2 मार्क्स के मिड में ग्राफ एडजस्ट करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप उसी तरह लेफ्ट साइड पर ग्राफ के ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ पर आपने इसका ग्राफ एडजस्ट करना है। तो जिस तरह मैंने ग्राफ को एडजस्ट किया आपने भी सेम उस तरह ग्राफ को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इस ग्राफ को कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के लिए आपको नीचे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, आपने उसको क्लिक करना है। वहाँ पर आपने इसको कॉपी कार्व कर लेना है। इसके बाद आपने नीचे फ्रीक्वेंसी को 8.50 कर लेना है। तो यह करने के बाद आपने नीचे मैग्नीट्यूड में आना है। तो वहाँ पर भी आपने इसी तरह 2 मार्क्स ऐड करने हैं, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट से थोड़ा सा पीछे। जो मार्क स्टार्टिंग में ऐड करना है उसको हम कर लेंगे 250 और जो मार्क लास्ट से थोड़ा सा पीछे ऐड किया होगा उसको हमने कर लेना है 0। तो ये करने के बाद अब हम जाएंगे इसे ग्राफ में, जो हमने ग्राफ एंगल में कॉपी किया था वो यहाँ पर हम सिंपली पेस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद गाइस जो हम नेक्स्ट इफेक्ट ऐड करेंगे उसका नाम है मोशन ब्लर, ये आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमने इस इफेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। सो गाइस अब हम लास्ट इफेक्ट ऐड करेंगे स्विंग, ये आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसकी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को 6.68 कर लेना है। ये करने के बाद अब हम एंगल 1 और एंगल 2 में 2 मार्क्स ऐड करेंगे, एक वीडियो के स्टार्टिंग में और एक लास्ट से थोड़ा सा पीछे। तो पहले गाइस हम एंगल 1 में मार्क्स ऐड करेंगे, जो मार्क्स स्टार्टिंग में होगा उसको हम कर लेंगे -7.6 डिग्री और जो लास्ट से थोड़ा सा पीछे मार्क ऐड किया होगा उसको हम कर लेंगे 0.0 डिग्री। तो ये करने के बाद गाइस अब हम जाएंगे इसके ग्राफ में। ग्राफ में जाने के बाद जिस तरह मैंने ग्राफ को एडजस्ट किया आपने भी सेम इसी तरह ग्राफ को एडजस्ट कर लेना है। ग्राफ बनाने के बाद आपने अब एंगल 2 में 2 मार्क्स ऐड करने, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट से थोड़ा सा पीछे। जो मार्क्स स्टार्टिंग में होगा आपने उसको कर लेना है 7.3 डिग्री, ये आपने कर लेना है। और जो मार्क लास्ट से थोड़ा सा पीछे होगा उसको आपने 0.0 डिग्री कर लेना है। तो इसके बाद गाइस अब हम इसी तरह इसके ग्राफ में जाएंगे, वहाँ पर आपने इसे ग्राफ को जैसे मैंने एडजस्ट किया आपने भी सेम उसी तरह एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। तो अब आप देख सकते हैं हमारा शेक इफेक्ट रेडी हो चुका है। बट आप अगर वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा शेक इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इन्हीं इफेक्ट्स को कॉपी करके, नीचे आपको 3 डॉट्स देख रहे होंगे, आप यहाँ से इन इफेक्ट्स को कॉपी करके इसी वीडियो में दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपने वीडियो के सबमिट पार्ट पर शेक्स ऐड किए होंगे आपने उन शेक्स को डुप्लीकेट कर लेना। तो जो वीडियो के ज़रा बड़े सेपरेट पार्ट्स होंगे आप उन पर भी इन इफेक्ट्स को इसी तरह पेस्ट कर सकते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट स्पीड थी वो थोड़ी बड़ी थी। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा शेक इफेक्ट कैसे ऐड करना है। यहाँ पर आपकी जो वीडियो की लेयर है आपने इसको जस्ट डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद जो आपने शेक्स इफेक्ट कॉपी किए थे वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद जो आपका टाइल्स का इफेक्ट है आपने उस पर आ जाना है। यहाँ पर आपने 2 मार्क्स ऐड करने हैं, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। जो मार्क्स स्टार्टिंग में होगा उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, बट जो मार्क लास्ट में होगा उसको आपने जितना जूम करना है वो आप कर सकते हैं। जो मैंने किया है वो 2.080 की है। इसके बाद गाइज आपने इसके ग्राफ में जाना है, वहाँ पर आपने इसका ये सिंपल सा ग्राफ एडजस्ट कर लेना है। ये करने के बाद गाइज अब हम इसकी ब्लेंडिंग एंड कैपेसिटी में जाएंगे। यहाँ पर आपने जस्ट 2 मार्क्स ऐड करने, एक लास्ट में और एक स्टार्टिंग में। जो मार्क लास्ट में होगा उसे आपने स्क्रीन की जो कैपेसिटी है वो 0 कर लेनी है। तो ये करने के बाद गाइस जो अभी हमने जिसमें टाइल इफेक्ट में थोड़ी चेंजिंग की थी उसी लेयर को हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद गाइस अब हम जाएंगे इसकी कलर एंड फिल पे। वहाँ पर जो आपने इसके जूम के लिए जो सा कलर देना है वो आप दे सकते हैं। मैं जो मोस्टली अपनी वीडियो में देता हूँ वो रेड देता हूँ, तो रेड कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जाना है आपने इस वीडियो की ब्लेंडिंग एंड कैपेसिटी में। वहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपने इसको ओवरले को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे शेक इफेक्ट भी रेडी हो चुका है। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारे दोनों शेक्स इफेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या ज़रा से भी आपकी हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज इस वीडियो में लाइक का टारगेट है 100, सो जल्दी से कम्प्लीट करवाएं ताकि नेक्स्ट कम्प्लीट ट्यूटोरियल जल्दी आए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।